अजमेर की युवाओं के बीच कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित, बच्चों को सिखाया फास्ट फूड, 35 बच्चों ने लिया भाग। अजमेर कॉलेज के पीछे गणेश नगर में युवाओं के बीच कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को राहुल सर ने चाइनीज, इटालियन, इंडियन और भी अलग तरह के फूड बनाना सिखाया। साथ ही बच्चों को फास्ट फूड के बारे में बताया गया, क्योंकि आजकल के बच्चे फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए वह अपने हाथों से घर पर स्वादिष्ट फास्ट फूड बना सकें, इसके लिए उन्हें यह क्लास दी गई। इस प्रतियोगिता में 35 बच्चों ने भाग लिया। हाँ बताइए, क्या समर कैंप लगा था और क्या सीखा आप लोगों ने? तो हमारा समर कैंप लगा था जिसमें 30-40 स्टूडेंट्स आए थे। हमने बहुत सारी न्यू डिशेस सीखी, लाइक आज के ज़माने में हमें ये सुनने को मिलता है कि फूड पॉइजनिंग हो रहा है बहुत से लोगों को, तो इसलिए हम खुद के घर पे भी इतने टेस्टी फूड बना सकते हैं जितना बाहर मिलता है। लाइक कम इन्ग्रीडियंट्स हो या नहीं हो, इट्स फाइन, वी कैन मेक बेटर डिशेज विद डैट ऑल्सो। क्या मानते हो आजकल के ज़माने में ऑनलाइन मंगाना पसंद करते हैं, मेहनत कम करते हैं? अब मेहनत की बात तो अलग है, अब कुछ लोग आलसी बच्चे, सो दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया। अगर हम खुद बनेंगे, खुद करेंगे तो एटलीस्ट, अगर हम बाहर जाएंगे स्टडीज़ के लिए तो इंडिपेंडेंट तो रहेंगे हम बनाने के लिए डिशेस। आपका गुड नेम? शनाया रिक्वेस्टर। हाँ बताइए, क्या समर कैंप था? ये कुकिंग का समर कैंप था, ये 6-7 days का था। हम 30-40 स्टूडेंट्स थे। हमने बहुत सारी वैरायटियां सीखी खाने की, जिसमें स्टार्टर्स, मेन कोर्स, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ। इसमें क्या लगता है आजकल का ज़माना ऑनलाइन? हाँ, आजकल जैसे सब लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो सब जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करते हैं, बट फिर बहुत सारे केसेस भी मिलते हैं सुनने के लिए कि फूड पॉइजनिंग हो रही है, कुछ ना कुछ बीमारियाँ फैल रही है, तो इससे बेटर है कि हम घर पर अपना खुद बनाएं और टेस्टी खाना बना के स्विगी जैसे हम घर पर भी खा सकते हैं। ये समर कैंप, क्योंकि कल से स्कूल शुरू होने वाले, एक वीक का समर कुकिंग क्लासेस थे। इसमें सारे प्रकार के अच्छे से व्यंजन सिखाए राहुल सर ने, उसमें कॉन्टिनेंटल है, इंडियन है, चाइनीज़ है, ताकि ये बहुत अच्छा था, क्योंकि फास्ट फूड ही खाते हैं आजकल के बच्चे, तो उनको खुद ही बना के अगर खा ले तो कितना आनंद आता है और किसी को सर्व करे, तो ये बेसिक इंडियन कल्चर जो है, हम कहते हैं कि कोई गेस्ट आए तो बिल्कुल कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए, ये बच्चे खुद ही बनाना सीख गए। और काफ़ी, मतलब 30-40 बच्चे थे, उसमें 3 बच्चे अच्छे से उन्होंने ये करा और अलग अलग कैटेगरी में विजेता रहे। अच्छा, कितने बच्चों ने भाग लिया था? 35-37 बच्चे थे। क्या मानते हो आजकल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं? एग्जैक्टली, वो उससे तो क्या फ़ायदे थोड़े होते हैं पर नुकसान ज़्यादा होता है। उससे अच्छा सिर्फ उनको ये लगता है कि चलो मोबाइल है, ऑनलाइन मंगवा दो, ऐसा ट्रेंड है, पर वो चेंज करना है हमको, क्योंकि शुरू खुद बदलाव लाना था, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो हम सब घर पे ही बनाते हैं और गेस्ट को कितनी अच्छे तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो ये इनको सिखाया और इनके बड़े फुर्ती से इन्होंने सीखा और अलग अलग डिशेस इन्होंने इतनी सारी डिशेस बनाई सिर्फ एक हफ्ते में, तो वो एकदम लाजवाब था वो देखें। वत्सला प्रभु।